गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस में जो अपने फंडामेंटल जो रूल्स होते हैं, जो चार या पांच रूल्स जो आपको पहले बताए थे वो अपने कंप्लीट हुए थे ओनली। उसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज दी थी पैसिव पे, जो चार या पांच फंडामेंटल रूल्स हैं उन पे किस तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कर पाए, तो वो एक्सरसाइज थी। एक एक्सरसाइज आपको डायरेक्शन पे भी दी थी कल, वो भी आपको कंप्लीट करनी थी। अब पैसिव कंस्ट्रक्शन में जो इससे आगे के जो रूल्स हैं, इसके आगे के जो नियम हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। तो अब तक सिक्स रूल्स हो चुके थे, अब उसमें सेवन्थ जो रूल चलेगा, रूल नंबर सेवन जो होगा वो आगे जो सेंटेंसेस हैं उनमें चलते रहेंगे। और उसका मेन जो रहेगा उसमें है कि जब आपको सेंटेंस में nobody या no man, no के साथ कोई भी नाउन आपको दिया हुआ हो, यदि इनमें से कोई भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय उस no one, nobody या no man, no person इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया हुआ हो उसे आपको by के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता है? क्योंकि हम इनके एवज में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसकी जगह क्या लगा देंगे, नोट यूज कर देंगे सेंटेंस में। इनको तो हटाएंगे, मीन्स बाई के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना जब नो बन या नो बडी आता है तो, लेकिन उसके बदले में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ना होगा, नोट। इसके एग्जाम्पल्स देखो कैसे आपको इन्हें करना होता है। जैसे सेंटेंस है नो बन Likes him. आपके पास ये सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, him है। him का क्या बनाओगे आप, he हो गया। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, is, are, am, तो he के साथ क्या लगेगा, is। जब सब्जेक्ट नो वन है तो हमें नोट भी लगाना पड़ेगा। फिर लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, liked। अब आपके रूल्स के अनुसार बाई नो वन लगाना होता है, लेकिन बाई नो वन नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट नो वन, नो बडी, नो मैन, नो पर्सन, नो स्टूडेंट इस तरीके का होता है, तो हमें उन्हें बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना होता है। तो ये रूल हो गया और सेंटेंस बन गया ही इज नॉट लाइक्ड, ये पैसिव बन गई नो वन लाइक्स यू की। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नो बडी appreciated her, nobody appreciated her। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, हर, तो हर का सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सी। हर का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बनाओगे तो शी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो appreciated है, मतलब पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में सी के साथ क्या लगाओगे, वॉच। फिर appreciate की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, appreciated, तो सी वॉच appreciated। अब लेकिन nobody के बदले में क्या लगाना पड़ेगा आपको, नोट, तो वॉच के साथ क्या लगेगा, नोट और लगेगा, और हमें बाई नो बडी नहीं लगाना क्योंकि अपना रूल कहता है कि नो वन या नो बडी होता है तो उसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये सेवंथ रूल आपका काम करेगा। और सेवंथ रूल क्या करेगा कि आपको नो वन या नो बडी जो आता है तो उसको कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के साथ नहीं लिखा जाता। ये हो गया रूल नंबर सेवन। अब नेक्स्ट देखो रूल नंबर एट। एट रूल क्या होगा कि यदि दिए गए सेंटेंस में आपको बी टाइप वर्ब या हैव टाइप वर्ब इनके साथ में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाते समय वो बी टाइप वर्ब, बी टाइप वर्ब कौन सी होती है, इज, आर, एट, वाज, वर्ब
हैव टाइप वर्ब कौन सी होती है? हैज, हैव, हैड। इनके बाद में क्या मिले आपको? टू मिले। और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? फर्स्ट फॉर्म आए। ऐसा वाक्य यदि हो तो उसको पैसिव में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो इस टू के बाद में, टू के बाद में क्या लगेगा? बी लगेगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, तो इनके लिए हमें जब पैसिव सेंटेंस बनाना होगा तो टू बी और थर्ड फॉर्म यूज करी जाएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैसे? एग्जांपल देखो, सी इज टू वॉश माई शर्ट। अब यहां पर देखिए, सी इज टू वॉश माई शर्ट इज बी टाइप वर्ब है ना, इसके बाद में क्या आ रहा है? टू आ रहा है ना। इसके बाद क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद माई शर्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई शर्ट सब्जेक्ट बन गया। अब जब आप हेल्पिंग वर्ब बनाओगे ना तो इज तो है ही हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना होगा? टू। फिर क्या लगाना होगा? बी। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस वॉश्ड, तो क्या बना सेंटेंस? माई शर्ट इज टू बी वॉश्ड बाई, लगा के सी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हर। तो माई शर्ट इज टू बी वॉश्ड बाई हर। इन सेंटेंसेस में यदि आप बाई के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाते हो, वॉश्ड तक करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सेंटेंस सही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसका, they have to write a novel। अब यहाँ पर they have to write a novel में object क्या है? a novel। तो इसको आपने क्या बना दिया? subject बना दिया। अब novel के साथ में have नहीं आएगा, singular है, तो क्या आएगा? has। फिर क्या आएगा? to। फिर क्या आएगा? फिर थर्ड फॉर्म राइट की क्या आएगी? रिटन। अब बाई देम लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो क्या बना सेंटेंस? ए नोवेल हैज टू बी रिटन। क्या बना सेंटेंस? ए नोवेल हैज टू बी रिटन। इस तरीके से ये हो गया रूल नंबर 8। जिन सेंटेंसेस में टू आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बी टाइप के बाद, हैव टाइप के बाद, उन सेंटेंसेस को इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। उसके बाद रूल नंबर 9, नाइन्थ नंबर जो रूल होगा उसमें आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस आएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। जो दिए गए वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो उनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, तो उनमें एक ध्यान रखना है कि हु यदि आता है तो उसका बनाना होगा हमें बाई हूम। हूम यदि आता है तो उसका बनाना होगा हमें हु। वहां यदि सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उसका बनाना होगा बाय व्हाट। ये तीन प्रक्रियाएं हमें करनी होंगी, इसके अलावा प्रश्नवाचक में और कोई नई बात नहीं है, वही रूल्स काम में आएंगे जो रूल्स अब तक आप फॉलो कर रहे हैं। कैसे? इनमें से कोई सा आता है तो चेंज करना है। जैसे एग्जांपल देखें हम इसका, फर्स्ट बहन डिड do you take breakfast? When do you take breakfast? अब ये एक sentence है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से दो शब्द है नहीं, when ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। उसके बाद wh word को लिखने के बाद आपको काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट को सब्जेक्ट बना दिया।
अब तीसरा काम आपको दूसरा काम आपको करना होता है हेल्पिंग वर्क। हेल्पिंग वर्क प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज आर एम लगेगा, तो ब्रेकफास्ट के साथ क्या लगेगा इज। पर ये ध्यान रखना कि जब सेंटेंस प्रश्न वाचक बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्क तो पहले ही लगेगी, तो ये आपको पहले लगा दिए हेल्पिंग वर्क आगे मत लगा देना। तो मेन इज ब्रेकफास्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टेकन, फिर बाय यू। तो सेंटेंस क्या बना, मेन इज ब्रेकफास्ट टेकन बाय यू, ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखो, अब ये तो मेन था तब कोई चेंज नहीं हुआ। मान लो सेंटेंस किससे आ गया, हु से, तो चेंज करना होगा हु को बाय हु में। कैसे, हु ब्रोक दिस चेयर, Who broke this chair? अब यहाँ देखिए, who आया है तो who का क्या बनेगा? By whom? चलो ये तो बन गया। अब अपने वापस rules पे आ जाओ जो passive के हैं। Object को क्या बनाना है? Subject। तो object का subject बना दिया this chair। अब tense कौन सा है? Past simple, तो past simple में वाच वर्ब लगती है, helping verb वो पहले लगेगी लेकिन subject से। तो by whom was this chair? अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बना सेंटेंस? बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि यदि WH वर्ड दिया हुआ है वो सेम रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। वेन का वेन आ गया, वाई होता तो वाई आ जाता, हाउ होता तो हाउ आ जाता, बट हु है तो उसको बाय हुम में बदल देना, और हु आ गया WH वर्ड तो हु में बदल देना, और व्हाट यदि सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बना देना, उसका बाय व्हाट बना देना। इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंसेस में। तो अब तक अपने 9 रूल्स हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट रूल्स हैं उनको हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।